अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वेलकम टू माय लिटिल जहां चैनल। आज की हमारी रेसिपी है चुटके की भाजी और गोश्त। यहां पर मैंने बोनलेस मटन लिया है 250 ग्राम। इसमें मैं अब ऐड करूंगी, ये मैंने 1 मीडियम साइज ऑनियन लेकर इसको स्लाइस में काट कर गोश्त और ऑनियन दो मिलाकर साथ में वॉश कर ली हूँ और इसका पूरा वाटर ड्रेन कर लिया है ऑलरेडी। इसमें इंग्रेडिएंट लगेंगे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें ऑयल ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से अच्छा मिक्स करें। सिर्फ 1/2 कप वाटर से इसमें थोड़ा ये मसाला पूरा इसमें एक जगह कर लें। देखिए जितना भी मसाला अपने हाथ में था वो सब इसमें लग जाएगा और अब इसमें जाएगा ऑयल। ऑयल लगेगा 2 टेबलस्पून, ये 1 टेबलस्पून है, 2 टेबलस्पून ऑयल लगेगा। देखिए हम इसको 4 विजिल होने देंगे और इसके बाद लिड ऑन कर देखेंगे गोश्त गला है कि नहीं। चलिए ये हो गए हमारे 4 विजिल। ये देखिए हमारे 4 विजिल हो चुके हैं, कर रही हूँ कि गोश्त गला है कि नहीं। हमारा गोश्त गल चुका है, मैं देखिए हमारा ये मटन गल चुका है। मैं ये हाई फ्लेम पर रखी हूँ गैस इसका और अब इसमें ऐड करूँगी चुटके की भाजी जो मैंने इसको साफ करके 3 पानी में धो लिया है और इसको डंडियों के साथ ही डालते हैं और टेस्ट में थोड़ा खट्टी रहती है तो हमें स्पाइसीनेस लगेगा, इसलिए मैं इसमें 4 से 5 ग्रीन चिलीज ऐड करी। देखिए इसमें मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च डाला है और 3 से 4 हरी मिर्च छोटे छोटे साइज में तोड़कर डाल दिए हैं। बस इसको अच्छे से मिक्स करें, देखो लेट रख दें। ये बहुत ही जल्द गल जाती है और हाई फ्लेम पर ही रखें। देखें माशाल्लाह से बहुत ही जल्द ही कुक हो गई है ये चुटके की भाजी। ऐड करके 1 से 2 मिनट्स ही हुए हैं, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। बस इसमें मैं ऐड करूँगी 1 chopped tomato। मिक्स इट वेल और इसको लिड लगाकर मीडियम फ्लेम पर रखें, ना हो सके उतना मीडियम फ्लेम पर पकाएं। आप लोग ये खाने के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी खाते हैं, इट्स जस्ट माउथ वाटरिंग डिश, वन ऑफ माई फेवरेट डिश। अब मैं इसमें ऐड करूँगी और चॉप्ड सिलेंट्रो उसमें डालने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून होममेड कोरिएंडर पाउडर। अगर आपको होममेड कोरिएंडर पाउडर की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे पिछले वीडियोस में देख सकते हैं, मैंने इसमें होममेड कोरिएंडर पाउडर की रेसिपी शेयर की है। बस आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें, सिम फ्लेम पर रखें और 5 मिनट्स पकने दें। ये देखिए हमारी चुटके की भाजी आफ्टर 5 मिनट्स दम हो चुकी है। बस मैं स्टोव टर्न ऑफ कर दूंगी और
डिश आउट कर रही हूँ। आप लोग भी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी रेसिपी होती है ये। देखें हमारी चिक्के की भाजी और गोश्त रेडी है। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी रेसिपी आपको किस कैसी लगी है। आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो माय लिटिल जहां चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय लिटिल जहां। अल्लाह हाफिज़।